Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय है जिसपे हम लोग संवाद करने जा रहे हैं इस विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी कई लेक्चर पर बात कर लिया है तो ये जो लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर सेवनटीन है हम लोगों का जिसमें हम लोग अभी विषय पर बात करने जाएंगे तो इसके पहले कि मैं लेक्चर नंबर सेवेंटीन आपको बताऊँ पहले आप मेरे बारे में मेरा संक्षिप्त परिचय जान लीजिए मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेरा मोर देन टेन ईयर्स मान के चलिए बारह तेरह साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैं न्यायिक अधिकारी भी था आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा के थ्रू आसाम में और ये मेरा संक्षिप्त परिचय है आपसे तो अब ये जो विषय है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा भी थी जिसपे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँ ये विषय क्या है तो सिविल प्रक्रिया संहिता इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह सिविल प्रक्रिया है मैंने सिविल कोर्ट के प्रोसीजर को बताती है सिविल न्यायालय में प्रक्रिया कैसे फॉलोअप होगी उसी की बात ये करती है जैसे मान लीजिए हमारा सिविल अधिकार किसी ने प्रभावित कर दिया और मैं उससे पीड़ित महसूस कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं सिविल कोर्ट में जाऊँगा और सिविल कोर्ट में जा कर के अपने सिविल अधिकार को संरक्षित कराने के लिए प्रक्रिया वहाँ पे फॉलोअप करूँगा तो कैसे मैं सिविल कोर्ट में जाऊँगा किस डॉक्यूमेंट को लेकर जाऊँगा मैं जाऊंगा तो वहाँ पे कैसे अपनी बातों को रखूँगा सिविल न्यायालय उस पर क्या एक्शन लेगी जिस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्शन लेगी वो कैसे न्यायालय में जाएगा फिर क्या प्रक्रिया फालू होगी अंतिम में हमारे खिलाफ़ या उसके खिलाफ़ कैसे निर्णय या डिक्री होगा इस सारी बात को सिविल प्रक्रिया संहिता में बताया गया है तो ये इसी बात को करता है सिविल अधिकारों को संरक्षित कैसे करेंगे और परिसीमा विधि यह बताती है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम है कानून में उसी के तहत आपको स्टेप लेना है किसी भी मामले में अपील है अप्लीकेशन है सूट है एग्जीक्यूशन है कुछ भी तो उसमें विद इन स्टूपलेटेड टाइम आपको कोर्ट ऑफ लॉ में आना है उसके बाद आप नहीं आ सकते तो पर, परिसीमा विधि उस टाइम लिमिट को बताती है कि उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको आना चाहिए और आना है तो ये बात है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि अब इस लेक्चर पे आइए जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर सत्रह अगर आप स्लाइड पे देखेंगे लेक्चर नंबर सेवेंटीन आपको दिखेगा अंतिरा विवाची वाद इसको बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट इंटर प्लीडर सूट ध्यान दिए इंटरप्लीडर सूट इसमें धारा अट्ठासी है और आदेश पैंतीस है आदेश थर्टी फाइव आर्टा थर्टी फाइव और सेक्शन एटी एट सेक्शन एटी एट आटा थर्टी फाइव ये है इसमें अब ध्यान दीजिए इंटरप्लीडर सूट थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं इंटरप्लीडर सूट एक बड़ा विशेष तरीके का सूट है जनरली जो मुकदमा होता है सिविल कोर्ट में वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है एक प्लेंटिव होता है और दूसरा डिफेंडेंट होता है एक वादी और दूसरा प्रतिवादी होता है जनरली आप किसी भी मुकदमे में देखेंगे एक बंदा जो सूट दाखिल करेगा उसको वादी बोलते हैं और वो बंदा जिसके अगेंस्ट सूट दाखिल किया जाएगा उसको प्रतिवादी बोलते हैं लेकिन अंतराविवाची जो मुकदमा है यह प्रतिवादियों के बीच में है बड़ा अलग तरीके का मुकदमा है जिसमें वादी का नहीं लेना देना है प्रतिवादियों के बीच में मुकदमा है वादी केवल अपना खर्चा मांग रहा है इसमें वादी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा है और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कई लोगों के बीच में है जो अपने आप में प्रतिवादी है तो सूट बिटवीन डिफेंडेंट्स इसको बोलते हैं तो जनरली सूट बिटवीन प्लेंटिव डिफेंडेंट होता है अंतरा विवाची वाद इंटरप्लीडर सूट सूट बिटवीन डिफेंडेंट्स है इसलिए स्पेशल सूट है और सीपीसी में केवल यही स्पेशल सूट है ऐसी बात नहीं है ध्यान दीजिए सीपीसी में कई स्पेशल सूट हैं जैसे इसी तरीके के इसी के फैमिली मेंबर के इसी के फैमिली में और क्या मेंबर हैं उन मेंबर की मैं बात करूं तो इसके फैमिली में इंटरप्लेटर सूट की फैमिली में देर आर मेनी मेंबर्स और वो कौन कौन है जैसे मैं कुछ इनोमरेट करूं आपको आर्डर ट्वेंटी सेवन आर्डर ट्वेंटी सेवन फॉर एग्जाम्पल सूट बाईर अगेंस्ट सूट बाईर अगेंस्ट गवर्नमेंट स्ट गिटी सामान्य मुकदमे से हट के मुकदमा है जैसे आपको सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है या सरकार आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाह रही है तो इन दोनों मामले में क्या होगा इन दोनों मामले में आर्डर ट्वेंटी सेवन फॉलो होगा और आर्डर ट्वेंटी सेवन बोलता है कि सूट बाय यर अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी तो नाम में किसका नाम होगा जैसे मान लीजिए हमको भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो जो अपोजिट पार्टी होगा वो यूनियन ऑफ इंडिया होगा हमको मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो जो, जो अपोजिट पार्टी होगा उसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार होगा ऐसे तो अपोजिट पार्टी में सरकार का या देश का नाम होगा या वो अगर हमारे खिलाफ़ सूट फाइल करेगा मान लो यूनियन ऑफ इंडिया हमारे खिलाफ सूट फाइल करना चाह रहा है तो यूनियन ऑफ इंडिया प्लेंटिव होगा और जो जिसके खिलाफ सूट फाइल करेगा वो डिफेंडेंट होगा तो नाम कैसे होगा आगे ये आर्डर ये भी बताता है कि इसमें सेक्शंस में आर्डर ट्वेंटी सेवन के साथ सेक्शन भी हमारे पास सेक्शन सेवेंटी नाइन टू एटी टू तो इसमें ये बताता है कि नोटिस देनी पड़ेगी जैसे मान लीजिए सरकार को सरकार के खिलाफ हमको मुकदमा दाखिल करना है ऐसे अगर मान लो हमको प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो किसी को कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है हम सीधे उसके खिलाफ प्लेंट दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में और कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है लेकिन जब मैं सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करने जाता हूँ तो डॉक्टरिन नोटिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें प्रोसीजर है नोटिस दो महीने की नोटिस हमको देनी पड़ेगी किसको सरकार को अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं तो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सचिव भारत सरकार को दो महीने की नोटिस देनी पड़ेगी अगर हम रेलवे के खिलाफ मुकदमा दाखिल करते हैं तो जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे को हमको दो महीना पहले की नोटिस देनी पड़ेगी अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी हमको नोटिस देनी पड़ेगी या कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को भी दे सकते हैं उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अलग व्यवस्था है चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट कहने का मतलब है जब सरकार के खिलाफ आप मुकदमा दाखिल करेंगे तो स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो स्पेशल मुकदमा है और आपको दो महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा पार्टी का नाम भी देश का या सब स्टेट का नाम होगा इस तरीके से स्पेशल मुकदमा होगा इसमें तो आर्डर ट्वेंटी ये इस फैमिली फैमिली का एक मेंबर है आर्डर 27 सेवन इंटर सूट के फैमिली का एक मेंबर ये भी है जो स्पेशल मुकदमे की बात करता है इसी तरीके से पॉइंट नंबर सेकंड आप देखेंगे तो आर्डर 28 है आर्डर 28 ये क्या बोलता है सूट बायर अगेंस्ट मिलिट्री मिलिट्री नेवी आर एयरमैन ध्यान दीजिए तो सूट बायर अगेंस्ट मिलिट्री नेवी और एयरमैन अगर आपको मिलिट्री के खिलाफ आपको नेवी के खिलाफ आपको एयरफोर्स के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो फिर से प्रोसीजर कौन है फिर से प्रोसीजर इसी तरीके का है जिसमें आपको साधारण मुकदमा नहीं चलेगा स्पेशल सूट चलेगा इसी तरीके से पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास है आर्डर ट्वेंटी नाइन आर्डर ट्वेंटी नाइन आर्डर ट्वेंटी नाइन की बात करता है कारपोरेशन सूट और अगेंस्ट कंपनी और कारपोरेशन अगर कोई कारपोरेशन है कोई निगम है उसके खिलाफ आपको मुकदमा दाखिल करना है तो यह भी स्पेशल मुकदमा है साधारण मुकदमे की तरह से यह नहीं होगा इसमें आपको स्पेशल मुकदमा और स्पेशल प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ेगा तो सूड बाईर अगेंस्ट कारपोरेशन इसी तरीके से पॉइंट नंबर फोर पे आएंगे तो यह आर्डर तीस एक आता है फॉर्म फॉर्म्स कारपोरेशन अगर फॉर्म के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है किसी भी तरीके का फॉर्म है मान लीजिए लीगल फॉर्म है या कोई ऐसा फॉर्म है या पार्टनरशिप फॉर्म है उसके खिलाफ आपको मुकदमा दाखिल करना है या वो आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाह रहा है तो फिर स्पेशल प्रोसीजर है यह साधारण सूट नहीं चलेगा इसी तरीके से पॉइंट नंबर पांचवा अगर आपको माइनर के खिलाफ या, या ट्रस्टी के खिलाफ आर्डर थर्टी वन सूट बायर अगेंस्ट ट्रस्टी एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर

कि जब माइनर प्लेंटिव है तो इसमें एक स्पेशल प्रोसीजर है उसका पहले नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट होगा या माइनर डिफेंडेंट है तो इसमें स्पेशल प्रोसीजर है कि इसमें गार्जियन फॉर दिस सूट अपॉइंट होगा तो माइनर प्लेंटिव की दशा में नेक्स्ट फ्रेंड और माइनर डिफेंडेंट की दशा में गार्जियन फॉर दिस सूट अपॉइंट किया जाएगा तो यह भी एक प्रक्रिया है माने माइनर प्लेंटिव अपने से सूट नहीं फाइल कर सकता या माइनर डिफेंडेंट के खिलाफ अपने से सूट नहीं फाइल हो सकता जब तक ये पहले प्रोसीजर ना फॉलो हो जाए कि उसका नेक्स्ट फ्रेंड और उसका गार्जियन अपॉइंट हो जाए और नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन अपॉइंट करने के लिए उनका क्वालिफिकेशन है वो कौन व्यक्ति है जो ऐसा अपॉइंट किया जाएगा कौन व्यक्ति नहीं अपॉइंट किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें उसमें देखना है तो ये सब देख करके अपॉइंट किया जाएगा तो एक तरीके से ये भी बड़ा ही स्पेशल प्रोसीजर है आर्डर थर्टी टू में इसी तरीके से आप देखेंगे पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट नंबर इंडिजेंट पर्सन इंडिजेंट पर्सन सूट बाई इंडिजेंट पर्सन इंडिजेंट पर्सन का मतलब गरीब आदमी निर्धन आदमी है आदमी निर्धन है आदमी गरीब है और वह सूट फाइल करना चाह रहा है क्योंकि उसका सिविल राइट प्रभावित हो गया है तो क्या वो सूट फाइल कर सकता है कि नहीं तो यहां पे भी है कि वो सूट फाइल कर सकता है इंडिजेंट पर्सन मे इंस्टीट्यूट सूट अब क्वेश्चन के रूल वन में हमारे पास परिभाषा है, है. हम है, है, है।, तो है कि उसको कोर्ट फीस जमा करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है।, या वो जो है एक हजार रुपए से कम की प्रॉपर्टी रखता है अपने पास। या वो फाइल करने और डिक्री पास होने के पहले प्रॉपर्टी कर लिया है तो उसकी कॉम्पिटेंसी ऐसे डिटरमाइन करी जाएगी या वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मुकदमा दाखिल करने आ रहा है तो उसकी कॉम्पिटेंसी वैसे डिटरमाइन करी जाएगी तो इस तरीके से आप देखेंगे तो उसमें भी स्पेशल व्यवस्था है पहले वो अपने आपको कराएगा, उसका बाद में अगर अप्रूव हो जाता है तो प्लेट हो जाएगा फिर वो रेगुलर मुकदमा हो जाएगा अगर वो इंडीजेंट डिक्लेयर कर भी दिया गया तो उसके एप्लीकेशन कोर्ट वापस भी ले सकती है अगर कोर्ट को जब समझ में आएगा तो वापस भी ले सकती है ऐसा नहीं है कि केवल आपके डिक्लेयर कर देने से ही मामला हो जाएगा वापस भी लिया जा सकता है तो ये सारी बातें हैं ये भी एक स्पेशल मुकदमा है इसी तरीके से पॉइंट नंबर पे आएंगे

आर्डर थर्टी फाइव प्लीडर सूट तो कहने का मतलब मैं ये जो बताने जा रहा था आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो इंटर प्लीडर सूट आप डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर प्लीडर सूट कोई अकेला इस ग्रुप का आप सदस्य नहीं है इस ग्रुप में बहुत लंबे चौड़े इसकी बहुत लंबी रूपरेखा है और इसमें बहुत लंबा इसका मेम्बरशिप है तो इस तरीके से हम लोगों को नवे पॉइंट पे आए इस तरीके से बहुत और भी हैं मैं बहुत जो प्रामिनेंट पॉइंट है मैं वो आपके सामने रखा कि यह स्पेशल सिविल प्रोसीडिंग का एक पार्ट है जिसमें साधारण सूट नहीं काम करता साधारण सूट क्या है प्लेंटी और डिफेंडेंट के बीच में प्लेंट दाखिल हो जाएगा प्लेंट दाखिल होने के बाद कोर्ट क्या करेगी कोर्ट अपोजिट पार्टी को समन भेजेगी समन के कंप्लायंस में अपोजिट पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट लेके आएगा रिटर्न स्टेटमेंट के आधार पे अब इशू फ्रेम हो जाएगा हर इशू पे ट्रायल होगा एविडेंसेस आएंगे विटनेसेस आएंगे और अकॉर्डिंगली कोर्ट डिसाइड कर देगी तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें मुकदमा दाखिल होता है लेकिन ये जितना हम लोगों ने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ पॉइंट हम गिनाए हैं ये सारे स्पेशल प्रोसीजर हैं जिसमें प्लांट रिटर्न स्टेटमेंट समन इशू न होकर के ये एप्लीकेशन के थ्रू आएगा नोटिस के थ्रू जाएगा या ऐसे वैसे जो भी है तो इसमें ट्विस्टेड प्रोसीजर

तो जो ये तीसरा आदमी इसमें आएगा जो सूट फाइल करेगा ऐसे सूट को हम बोलेंगे इंटरप्लीडर सूट और जो तीसरा आदमी आएगा वो किस चीज के लिए आएगा वो कास्ट की बात करेगा वो चार्जेज की बात करेगा कहेगा ये प्रॉपर्टी को चूंकि मैं रखा हूं इतना दिन हमारा बड़ा एक्सपेंस हुआ है बड़ा खर्च हुआ है इसलिए ये प्रॉपर्टी हमको दे दी जाए ठीक है ना तो इसको हम इंटर जैसे एक साधारण में एग्जाम्पल से पहले आपको बताऊं फिर हम रूल पे आते हैं और सेक्शन पे आते हैं जैसे मान लीजिए एक गाय का एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लीजिए किसी की गाय है और गाय छूटते 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 किसी ने छोड़ दिया उसको भागते भागते कहीं दूर चली गई जब दूर गई तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के दरवाजे पे गई वो देख रहा है कि भाई ये पता नहीं किसकी गाय है तो पकड़ करके उसको गाय को बांध देता है अपने दरवाजे पे क्योंकि उसको लोग दौड़ा रहे हैं कोई मार रहा है कायदे से खाना नहीं पा रही है उसको कुत्ते काट रहे हैं तो उसको दया आ गई और सोच रहा है कि इस गाय को हम अपने दरवाजे पर बांध देते हैं इसको खाना वाना खिलाएंगे देखेंगे अगर कोई खोजते आएगा तो उसको दे देंगे और नहीं आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगी कोई बात नहीं तो उस गाय को अपने दरवाजे पर बांध लेता है बांध के वो अपना उसको खिलाता पिलाता है एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना पाँच महीना बीता बीतने के बाद एक आदमी आता है और वो कहता है अरे भाई ये तो गाय मेरी है तो वो कहता है कैसे आपकी गाय है आपकी है तो वो कहता है मेरी है हमारे दरवाजे छूट के चली गई थी और मैं बहुत दिन से खोज रहा हूँ खोजते खोजते आज मुझे मिली है ये बात हुई तब तक एक और आदमी आता है उसके पास दो तीन दिन में वो कहता है ये तो गाय मेरी है तो कहता है आपकी गाय कैसे गायब छूट गई थी खोजते खोजते आज मैं आया हूँ तो मिली है तो बे बड़ा कन्फ्यूज है कि गाय अभी तो दो दिन पहले एक जने आए थे बोल रहे थे उनकी है आज दो दिन के बाद एक जने आ रहे हैं वो बता रहे हैं गाय इनकी है तो आखिर क्वेश्चन है कि गाय दें हम तो देखें इसको और दोनों लोग क्लेम कर रहे हैं आपस में यह गाय हमारी है गाय उनकी है ये जो आदमी बांधा है उसको इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसका क्या ये नहीं कर रहा है गाय हमारी है ये कर रहा है गाय घूमते हुए थी मैंने इसको पकड़ लिया लेकिन क्वेश्चन है कि छह महीने तक इसने इस गाय को अपने पास रखा इसको दवा वगैरह कराया इसको छः महीने से खिला पिला रहा है तो इसका खर्चा भी तो लगा तो चाहे तो तो ए ले चाहे तो बी ले जो दोनों लोग इसको क्लेम कर रहे हैं दोनों में से किसी की हो इसको कोई पीड़ा नहीं है इसको पीड़ा ये है कि दोनों में से कोई भी ले लेकिन हमारा जितना खर्चा लगाया भरण पोषण में इस गाय रख रखाव में वो सारा खर्चा हमको ये वापस कर दे और उसको मैं गाय वापस कर दूं लेकिन क्वेश्चन है कि इसका एक्चुअल ओनर है कौन ये तो पहले पता चले इसके लिए ये बंदा क्या करता है जिसने गाय बांधा था ये कोर्ट में मुकदमा दाखिल करता है और कोर्ट से क्या कहता है कोर्ट से कहता है जज साहब े गाय हमारी नहीं है लेकिन फिर भी मैं मुकदमा दाखिल कर रहा हूं क्यों दाखिल कर रहा हूं क्योंकि ये पता चले कि हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस काउ कौन इसका एक्चुअल ओनर है जिसको कि मैं इसकाउ को वापस कर दूं और जो भी मेरा एक्सपेंसिस हुआ है इसके रख रखाव में मैं उससे क्लेम करूं उससे वापस ले लू इसके लिए सूट फाइल कर रहा है तो इस सूट को हम बोलेंगे इंटरप्लीडर सूट ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरप्लीडर ऐसा सूट है ऐसा व्यक्ति मुकदमा दाखिल कर रहा है जो प्रॉपर्टी को क्लेम ही नहीं कर रहा है वो प्रॉपर्टी को न क्लेम करके वो क्या क्लेम कर रहा है एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर चार्जेज ओवर दी प्रॉपर्टी जो उसका इनकर किया है उसने उस प्रॉपर्टी के रख रखा हूं बस उसी को क्लेम कर रहा है और वो कोर्ट से कर रहा है कि आप राइट फुल ओनर बता दीजिए राइट फुल ओनर कौन है जिसको ये प्रॉपर्टी मैं वापस कर दूं और उससे अपना खर्चा ले लूं तो ऐसे मुकदमे को कहते हैं इंटरप्लीडर सूट तो इस तरीके से आप देखेंगे हट करके मुकदमा है जनरली मुकदमा या तो प्लेटिव दाखिल करता है मैंने प्लेंटिव दाखिल करता है जिसका सिविल राइट प्रभावित हुआ है जो क्लेम करता है ये प्रॉपर्टी हमारी है क्लेमेंट उसको बोलते हैं प्लेटिव इज द क्लेमेंट बिकॉज ही इज क्लेमिंग द राइट ओवर द प्रॉपर्टी इसलिए ही मैं इंस्टीट्यूट द सूट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ लेकिन ये बंदा ऐसा है कि हु इज नॉट क्लेमिंग ओवर द प्रॉपर्टी रादर ही इज क्लेमिंग फॉर एक्सपेंसिस एक्सपेंडिचर एंड ही इज इंस्टीट्यूट द सूट अगेंस्ट दोज पार्टीज हु आर क्लेमिंग एडवर्सली टू इच अदर तो उस गाय के लिए दो एडवर्सलिटीट हैं जो कह रहे हैं हमारी है और हमारी है ये केवल इसलिए जा रहा है कि भाई हमारे खर्चे को दिलवा दीजिए गाय में जिसको कहिए उसको वापस कर देता हूं लेकिन राइट फुल क्लेमेंट भी बता दीजिए इसके लिए मुकदमा दाखिल करता है तो दिस इज व्हाट इंटरप्लीडर सूट मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको साधारण भाषा समझ में आया होगा कि इंटरप्लीडर सूट क्या है अब इसको प्रावधान के हिसाब से आइए धारा अट्ठासी में क्या बोल रहा है धारा एट्टी देखो अंतरा वाद में वाद पत्र वाद का स्थान धारा अट्ठासी और नियम एक तो अब हम लोग धारा अट्ठासी और रूल एक के माध्यम से इसको समझेंगे रूल एक किसका आर्डर थर्टी फाइव का रूल एक आर्डर थर्टी फाइव और धारा अट्ठासी तो पहले धारा अट्ठासी पे आई क्या बोल रहा है धारा अट्ठासी hmm. धारा अट्ठासी बोल रहा है कि जहां पे टू आर मोर पर्सन ध्यान दीजिए धारा अट्ठासी में कुछ कैचवर्ड है जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर सेकेंड क्लेम कर रहे हैं ये लोग क्लेमिंग एडवर्स टू ईच अदर एडवर्स टू अदर इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड पे आइए पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोल रहा है एडवर्स क्लेम ये किस चीज का कर रहे हैं डेट ऋण का सम ऑफ मनी सम ऑफ मनी या कोई प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी इसका ये क्लेम कर रहे हैं ध्यान दीजिए तो क्या बोल रहा है इसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो दे आर क्लेमिंग एडवर्सली टू इच अदर फॉर एनी डेट सम ऑफ मनी आर प्रॉपर्टी इधर मोवेबल और इमूवेबल ध्यान दीजिए तो ये तीन कंडीशन का सेटिस्फेक्शन इसमें बहुत जरूरी है माने जब भी इंटरप्लीडर सूट होगा तो इसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए इन दो या दो से अधिक व्यक्ति जो हैं एक दूसरे में एडवर्स क्लेम है इनका एक दूसरे के खिलाफ ये क्लेम कर रहे हैं और तीसरी बात है कि ये किस चीज के लिए क्लेम कर रहे हैं कोई डेट है ऋण है कोई सम ऑफ मनी है मॉनेटरी अमाउंट है फिक्स उसके लिए क्लेम कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी है इधर मूवेबल और इमूवेबल उसके लिए क्लेम कर रहे मनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल इसके लिए दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के एडवर्स क्लेम कर रहे हैं तब इसमें एक प्लेंटिव है जो इंटरप्लीडर सूट दाखिल कर सकता है और ये प्लेंटिव क्या कहेगा ये प्लेंटिव किस चीज के लिए इंटरप्लीडर सूट दाखिल करेगा केवल कास्ट के लिए केवल चार्जेज के लिए कहेगा जज साहब दो या दो से अधिक लोग एक प्रॉपर्टी पे एक दूसरे के एडवर्स क्लेम कर रहे हैं और मैं उसमें क्या क्लेम कर रहा हूं मैं उसमें केवल कास्ट क्लेम कर रहा हूं मैं उसमें अपना खर्चा क्लेम कर रहा हूं मैं कुछ नहीं क्लेम कर रहा है खर्चे के अलावा तो ये इंटरप्लीडर सूट दाखिल करेगा अपना खर्चा मांगेगा और इंटरप्लीडर सूट ये दाखिल करेगा अब कोर्ट इससे कहेगी कि वो दो लोग कौन है उनका डिटेल आपको बताना है वो प्रॉपर्टी कौन है उसका डिटेल बताना है तो ये जब इंटरप्लीडर सूट दाखिल करेगा तो ये पूरा डिटेल बताएगा पहले तो अपने बारे में बताएगा हम कौन है इसके बाद वो उन लोगों के बारे में बताएगा वो दोनों कौन है जो एडवर्स क्लेम कर रहे हैं कौन ऐसी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है जो डिस्प्यूटेड है उसकी बात करेगा तो ये सारी चीज ये लिख करके कोर्ट में बताएगा तो ऐसे सूट को हम इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं अब एक बात इसमें है कि मान लीजिए कोई मुकदमा ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी के टाइटल को डिसाइड करने के लिए चल रहा हो अगर ऐसा है तो फिर इंटर सूट मेंटेनेबल नहीं होगा जैसे मान लीजिए ये जो दो या दो या से अधिक लोग उसी प्रॉपर्टी पर एडवर्स क्लेम कर रहे हैं तो मान लीजिए ये क्लेम ऑलरेडी किसी कोर्ट में कर रहे हैं मान लो कोई न्यायालय है न्यायालय नंबर सी और कोर्ट सी में ऑलरेडी ये मामला पेंडिंग है एक्स और वाई के बीच में एक्स का कराए प्रॉपर्टी हमारी है वाई करा यह प्रॉपर्टी हमारी है ये ऑलरेडी कोर्ट में मामला पेंडिंग है और तब यह सूट दाखिल करने जा रहा है कोर्ट नंबर डी में तो नहीं चलेगा इंटरप्लीडर सूट इंटरप्लीडर सूट तभी चलेगा मान लीजिए टाइटल के लिए ऑलरेडी मैटर इज पेंडिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तो लेट दैट टाइटल डिसाइडेड कोर्ट ये इसका रूल है तो अगर टाइटल के लिए ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के टाइटल के लिए डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन इन अ पर्टिकुलर सिविल कोर्ट तो पहले वो सिविल कोर्ट उस टाइटल को निर्धारित करेगी उस मुकदमे में जो ऑलरेडी पेंडिंग है तब इनको नहीं यहाँ पे आना है लेकिन मान लीजिए केवल एडवर्स क्लेम ही कर रहे हैं कहीं मुकदमा नहीं दाखिल किए हैं तब क्या करना है तब यह इंटरप्लीडर सूट दाखिल कर सकता है और ये कहेगा जज साहब इसमें हमको कुछ नहीं हमको केवल चार्ज और खर्चा चाहिए इस प्रॉपर्टी का और जो ये लोग एडवर्स क्लेम कर रहे हैं इन लोगों से कह दीजिए ये लोग आपस में डिसाइड कर लें कि ये कित कौन खर्चा हमको देगा और हम किसको प्रॉपर्टी दें या आप हमको बता दें कौन राइटफुल क्लेमेंट है जिसको हम प्रॉपर्टी एंड ओवर कर दें और उससे हमको खर्चा दिलवा दीजिए लेकिन ये तभी होगा जब केवल ये एडवर्स क्लेम कर रहे हैं टाइटल के लिए कहीं मुकदमा पेंडिंग नहीं है अगर टाइटल के लिए मुकदमा पेंडिंग है तो इंटरप्लीडर सूट दाखिल नहीं होगा यह धारा अट्ठासी और इसमें एक और बात है कि एजेंट और टीनेंट इंटरप्लीडर सूट दाखिल नहीं करेंगे एजेंट और टीनेंट आर नॉट इंटाइटल टू इंस्टीट्यूट सूट ऑफ इंटरप्लीडर ठीक है ना तो यह भी एक रूल है इसमें प्रोवाइडेड दैट लास्ट में लिखा हुआ है तो धारा अट्ठासी में इतनी बात है मैंने धारा अट्ठासी में हम लोगों ने क्या देखा मैं आप लोगों को रिफ्रेश कर दू धारा अट्ठासी में हम लोगों ने देखा ये सूट बिटवीन डिफेंडेंट्स है प्लेटिव इसमें प्रॉपर्टी नहीं क्लेम कर रहा है प्लेंटिव इसमें कास्ट और चार्जेज क्लेम कर रहा है क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे दो या दो से अधिक लोग एडवर्स क्लेम कर रहे हैं और यह प्लेटिव कर रहा है कोर्ट से कि जज साहब ये प्रॉपर्टी चाहे उनकी है चाहे उनकी है आप इसकी टाइटल डिसाइड कर दो और मैं इस प्रॉपर्टी को हैंड करके अपना कास्ट ले लो तो इसलिए इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए दोनों एक दूसरे के एडवर्स क्लेम करना चाहिए और यह क्लेम इनका किस चीज के लिए हो तीन चार चीज है या तो डेट है ऋण है या तो सम मनी है कोई पैसे का अमाउंट है और या तो प्रॉपर्टी है संपत्ति है वो संपत्ति कैसी है चाहे चल चाहे चल संपत्ति है तो यह क्या करेंगे इंटरप्लीडर सूट में प्रोसीड कर जाएंगे और इंटरप्लीडर सूट के लिए अगर टाइटल कहीं नहीं टाइटल सूट कहीं पेंडिंग नहीं है तो इंटरप्लीडर सूट दाखिल करेगा और कोर्ट अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड करेगी एजेंट और टीनेंट इंटरप्लीडर सूट दाखिल नहीं कर सकते तो यह था धारा अट्ठासी धारा अट्ठासी अब आ जाइए इसके प्रोसीजर पे आर्डर पैंतीस नियम एक आर्डर पैंतीस नियम एक यहाँ पे लिखा भी है आर्डर पैंतीस नियम एक तो धारा अट्ठासी में तो ये एक बात हो गई अब आर्डर पैंतीस नियम एक में जब आप जाएंगे तब इसमें क्या है इसमें आर्डर पैंतीस नियम एक में कुछ कंडीशन है रूल एक ऑफ आर्डर थर्टी फाइव क्या इसमें कुछ कंडीशन है कि ये जो इंटरप्लीडर सूट दाखिल करेगा प्लेंटिव यहाँ पे प्लेंटिव ये इंटरप्लीडर सूट में जो एप्लीकेशन देगा दो तीन, तीन बातें होनी चाहिए ये जब का जाएगा तो इसका एप्लीकेशन ऐसे ही होगा जैसे वो आर्डर सेवन में प्लेंट होता सिविल कोर्ट में जब आप प्लेंट लेके जाते हैं तो कैसे लेके जाते हैं ये आदेश सात सीपीसी में लिखा हुआ है प्लेट कैसे लेके जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है प्लेंट में कंटेंट होगा प्लांट में स्पेसिफिक क्लेम होगा अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन होगा उसका मैप क्या है उसकी एरिया कितनी है उसकी चौद्दी क्या है ये सब आप लिखेंगे अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या मनी सूट है अमाउंट आप मनी है तो प्रिसाइज एंड कंसाइज अमाउंट लिखा जाएगा कहने का मतलब है कि आर्डर सेवन के सारे रूल्स का कंप्लायंस होगा इस आवेदन में और इंटरप सूट का आवेदन आदेश सात के प्रक्रिया के तहत दाखिल किया जाएगा जैसे सिविल कोर्ट में आप आदेश में वादपत्र दाखिल करते हैं सूट का जो आवेदन होगा यह आदेश के के प्रक्रिया के तहत ही दाखिल किया जाएगा तो यह बात आपको ध्यान रखना है आर्डर पैंतीस रूल एक में लिखा हुआ है तो ये ऐसे ही जाएगा आवेदन इसके अलावा इन एडिशन टू दैट आर्डर सेवन का तो कंप्लायंस हो होगा ही जिसमें सिग्नेचर होगा क्लेमेंट का

और इसमें डिफेंडेंट्स का एडवर्स क्लेम है एडवर्स क्लेम है और तीसरा कोई इसमें कलूसिव सूट नहीं है कलूसिव सूट नहीं है ध्यान दीजिए, ये तीन भी रहेगा मैंने नियम एक इस चीज को स्पष्ट करता है कि जब आप इंटरप्लीडर सूट लेके आएंगे प्लेंटिव केवल इस आधार पे कि आपको केवल खर्चा चाहिए उसमें से और कुछ नहीं चाहिए प्रॉपर्टी एडवर्स क्लेम कर रहे हैं दो लोग तो आप सबसे पहले आदेश सात के नियमों का पालन करेंगे उसको प्लेंट के तरीके से एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करेंगे उसको करेंगे उसको वेरीफाई पे सिग्नेचर करेंगे और इसके बाद तीन चीज एडिसनली आप उसमें लिखेंगे पहली बात आप लिखेंगे कि जज साहब हम केवल इसमें किस चीज के लिए इंटाइटल और क्या क्लेम कर रहे हैं चार्जेज एंड कास्ट ओवर दी सब्जेक्ट मैटर नथिंग एल्स आप इसको क्लियरली लिखेंगे कास्ट और चार्ज के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए पॉइंट नंबर वन दूसरा आप बताएंगे कि डिफेंडेंट जो है ये दूसरे के एडवर्स क्लेम में है ए का राय है, मेरी है बी का राय है, मेरी है लेकिन मैं पी हूँ प्लेंटिव हूँ मैं केवल कास्ट और चार्जेज की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ और तीसरी बात आप एफिडेविट पे सपोर्ट करके बताएंगे हमारा कोई कलूजन नहीं है बींग द प्लेंटिव हमारा इन दोनों डिफेंडेंट या तीनों डिफेंडेंट में से किसी के साथ कोई कलूजन नहीं है और ये कलूसिव तरीके का मेरा अप्लीकेशन नहीं है मेरा अप्लीकेशन बोनाफाइड इंटेंशन में आया है मालाफाइड इंटेंशन में नहीं है बोनाफाइड है और हम केवल चार्जेज के लिए और क्लेम के लिए आए तो ये नियम 35 रूल एक में स्पष्ट रूप से आपको इसको बताना है तो ये था आपका सेक्शन 88 आर्डर थर्टी रूल वन ठीक है क्या देखा हम लोगों ने सेक्शन 88 में सेक्शन 88 में हम लोगों ने देखा कि इंटरप्लीडर सूट सूट बिटवीन डिफेंडेंट्स है और इंटरप्लीडर सूट दाखिल करने के लिए कुछ कंडीशन का होना आवश्यक है क्या क्या कंडीशन है दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे एक दूसरे के एडवर्स क्लेम कर रहे होंगे और ये जो प्लेंटिव होगा ये किस चीज़ के लिए आएगा ये केवल डेट और ये केवल चार्जेज के लिए और कास्ट के लिए आएगा और कहेगा ये जो एडवर्स क्लेम कर रहे हैं ये एडवर्स क्लेम इन्हीं तीनों में से किसी चीज़ का होना चाहिए डेट सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी मोबाइबुल और इमोबुल अगर इसके लिए कोई क्लेम कर रहे हैं तो ये अपने चार्जेज और खर्चे की बात करेगा जब ये आवेदन लेके आएगा तो इसका आवेदन आदेश सात के हिसाब से होगा

कोर्ट में कोर्ट में ध्यान दीजिए मे वर्ड यूज है कोर्ट में कह सकती है कोर्ट की ये जो सब्जेक्ट मैटर है ना सब्जेक्ट मैटर बी पेड इन कोर्ट पेड इन टू द कोर्ट अगर यह कैपेबल ऑफ बीइंग पेड है तब ध्यान दीजिए कैपेबल ऑफ बीइंग पेड अगर कैपेबल ऑफ बींग पेड है तब कोर्ट मे आस्क कि इट इज टू बी पेड इन टू द कोर्ट ध्यान दीजिए तो रूल टू क्या बात कर रहा है मैं समझाऊं आपको थोड़ा सा कह रहा है जैसे मान लीजिए प्लेंटिव कर रहा है कि जज साहब ये दो लोग एडवर्स क्लेम कर रहे हैं और हमको चार्ज और कास्ट चाहिए आप बताइए इस प्रॉपर्टी को हम किसको दें और अकॉर्डिंगली हम उससे कास्ट रियलाइज करें तो कोर्ट सबसे पहले अभी कुछ डिसाइड करने के पहले कोर्ट कहेगी रूल टू में कि इस प्रॉपर्टी को पहले ले होने आल में जमा कर दो

कि अगर गाय जैसा पहले ही कोर्ट में रखवा लेंगे तो उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन उसकी रख रखाव कौन करेगा उसके लिए तो रोज एक्सरसाइज की जरूरत है तो ऐसी प्रॉपर्टी को अगर रखवा लेंगे तो बड़ा बर्डन हो जाएगा कोर्ट के ऊपर और कोर्ट उसकी देखभाल नहीं कर सकती लेकिन अगर मान लीजिए कोई समाप मनी है जैसे मान लीजिए कोई डेट है या जैसे मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आप रख सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी जिसको आप रख सकते हैं केवल रखना ही उसको उसको कोई देखभाल के लिए उसको कोई सेवा करने के लिए या उसमें कोई बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है तो कैपेबल ऑफ बी पेड जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कोर्ट तभी उसको जमा करवाएगी वेन इट इज कैपेबल ऑफ पेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ लेकिन इफ इट इज नॉट कैपेबल ऑफ बिंग पेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ देन कोर्ट में नॉट इसलिए में लिखा हुआ है कोर्ट इसमें डिस्क्रिप्शनरी पावर का यूज करेगी कोर्ट में कोर्ट में तो ये रूल दो है माने जैसे इनका एप्लीकेशन जाएगा कोर्ट इसको कैसे देखेगी कोर्ट पहले प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में लेगी अगर कस्टडी में लेने लायक होगा तो और नहीं होगा तो इसको प्लेंटिव के पास छोड़ करके डिसाइड करेगी दोनों कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है लेकिन इफ कैपेबल ऑफ बीइंग बिंग टू दी कोर्ट अकॉर्डिंगलीर्ट तो इसको प्रोसीड करेगी तो ये था रूल दो आगे बढ़िए रूल थ्री रूल थ्री क्या बोल रहा है रूल थ्री बोल रहा है ये सारा आर्डर थर्टी फाइव की बात हो रही है क्योंकि हम लोग को बस एक आर्डर और एक सेक्शन पढ़ना था सेक्शन एटी एट आर्डर थर्टी तो सेक्शन एटी हम लोग देख लिया की बात करें तो आर्डर 35 रूल थ्री में क्या है कि प्रक्रिया जहां प्रतिवादी पर बात चल रहा है अब जैसे मान लीजिए रूल थ्री क्या बोल रहा है रूल थ्री बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये जो सब्जेक्ट मैटर है इस पर एडवर्स क्लेम दोनों पार्टी की तरफ से चल रहा है ए का रहा है हमारा है बी का रहा है हमारा है और कोर्ट नंबर सी में चल रहा है इसके बाद इसी प्रॉपर्टी के लिए इंटरप्लीडर सूट दाखिल होता है कोर्ट में कोर्ट नंबर डी में मान लीजिए इंटरप्लीडर शूटिव ने दाखिल कर दिया इंटरप्लीडर सूट कोर्ट नंबर डी में तो यह कोर्ट नंबर डी कोर्ट नंबर सी को इन्फॉर्म अगर कर देगी कि हमारे यहाँ इंटरप्लीडर सूट दाखिल हुआ है प्लेटिव के द्वारा तो ये जो मुकदमा है यहाँ पे स्टे किया जा सकता है स्टे तो यहाँ पे स्टे कर दिया जाएगा और यह कोर्ट कहेगी कि लेट देट इंटरप्लीडर सूट भी डिसाइडेड तो रूल थ्री यही बात कर रहा है कि अगर इस तरीके से इसमें ऑलरेडी कहीं पेंडेंसी हो तो कोर्ट वेरी सूट हैज बीन है ये कोर्ट उस कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी और इन्फॉर्म करने के बाद वहां के मामले को स्टे करा देगी और इस मामले को देख सकती है तो इस तरीके से रूल थ्री में यह प्रोसीजर है ताकि एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए दो या तीन पैरल मुकदमे ना चलें एक समय में एक ही मुकदमा चले और जो रिमेनिंग है उसको स्टे कर दिया जाए फॉर दी टाइम तो बींगे रूल थ्री है ऐसे ही आगे बढ़ेगा इसके बाद आगे बढ़िए रूल फोर रूल फोर क्या बोल रहा है रूल फोर रूल फोर कह रहा है कि प्रोसीजर एट द फर्स्ट हियरिंग ध्यान दीजिए प्रोसीजर एट द फर्स्ट हियरिंग इसमें क्या है इसमें कई बातें हैं अब मान लीजिए सूट इंस्टीट्यूट हो गया इंस्टीट्यूट होकर के चल पड़ा कोर्ट को इसमें क्या करना है कोर्ट में इसमें प्लेंटिव के चार्जेज और कास्ट को डिटरमाइन करना है क्योंकि एडवर्स क्लेम है बिटवीन मेनी डिफेंडेंट्स टुगेदर फॉर दी ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तो कोर्ट में कोई इसमें प्लेंटिव के ओन कास्ट और चार्जेज को डिटरमाइन करना है तो कोर्ट यहाँ प्रोसीजर में क्या क्या फॉलो करेगी क्या क्या कर सकती है ध्यान द्या, दीजिए क्योंकि यहाँ जो प्लेटिव ने सूट फाइल किया है वो केवल अपने कास्ट और चार्जेज के लिए फाइल किया हुआ है तो वो जो एडवर्स क्लेम कर रहे हैं वो अपना क्लेम कर ही रहे हैं वो कर रहा है हमारा है एक रहा है हमारा है लेकिन इसको चार चार चार्जेज और कास्ट चाहिए तो मेन मुद्दा तो ये है कि इसका चार्जेज और कास्ट कितना है और प्रॉपर्टी की इसको दिलवाई जाए लेकिन ये मुद्दा तो प्लेंटिव के सामने है कोर्ट के सामने दो मुद्दे हैं पहला इसको कितना कास्ट या चार्जेज दिलवाया जाए पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू प्रॉपर्टी किसको एंड ओवर करी जाए तो प्रॉपर्टी एंड ओवर करने में कोर्ट को प्रॉपर्टी की टाइटल भी डिसाइड करनी पड़ेगी क्योंकि जो एक्चुअल ओनर है उसी को देना है ऐसा नहीं है दूसरे को दे देगी दूसरे को दे देगी दे दे तो फिर वो प्रॉपर्टी तो पता चलेगा और किसी की और दे, दे दी गई किसी और को तो ऐसा तो करना नहीं है कोर्ट को तो न्याय करना है तो कोर्ट को टाइटल भी डिसाइड करनी है तो कोर्ट कौन प्रोसीजर फॉलो करेगी रूल चार में यही बात लिखा हुआ है ध्यान दीजिए तो रूल चार में कई बातें हैं पॉइंट नंबर मान लीजिए ए ए क्या बोल रहा है कोर्ट में डिक्लेयर द प्लेंटिव टू बी डिस्चार्ज एन एवास्ट अगर मान लीजिए कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट जो है प्लेंटिव को मान लीजिए फर्स्ट हियरिंग में ही कोर्ट को पता चल गया तो प्लेंटिव क्या करेगी प्लेंटिव को कोर्ट क्या करेगा डिस्चार्ज कर देगा डिस्चार्ज कर देगा और इसका कास्ट पे करा देगा. कास्ट पे करा देगा देगा पे कोर्ट को पहले ही पता चल गया कि इसका खर्चा कितना है प्लेंटिव का खर्चा तो कहेगा भैया प्लेंटिव का जितना खर्चा है उसको आप लोग जमा कर दीजिए पहले जमा कर दीजिए और प्लेंटिव को डिस्चार्ज कर दीजिए अब ये प्रॉपर्टी हमारे कोर्ट में रखी हुई है हम डिसाइड करेंगे इज ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट मैटर तो अगर कोर्ट को फर्स्ट हियरिंग में ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है तो प्रॉपर्टी को अपने पास रखवा लेगी प्लेंटिव का खर्चा उसको जमा करा देगी प्लेंटिव को डिस्चार्ज कर देगी और टाइटल को डिसाइड करेगी पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू अगर मान लीजिए कोर्ट को लग रहा है नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी बड़ी कॉम्प्लेक्स है इसमें प्लेंटिव की भी उपस्थिति आवश्यक है जब तक टाइटल टाइटिल डिसाइड करी जाए तो कोर्ट यहाँ प्लेंटिव को डिस्चार्ज नहीं करेगा डिस्चार्ज नहीं करेगा डिस्चार्ज न करके प्रॉपर्टी को सुनेगा और सुन करके डिसाइड करेगा तो ये पॉइंट नंबर बी में ये है कि नहीं उसको डिस्चार्ज करेगा एंड ऑल पार्टी फाइनल डिस्पोजल सारे पार्टी को फाइनल डिस्पोजल तक अपने पास कोर्ट रोकेगा फाइनल डिस्पोजल तक अपने पास रोकेगा ठीक है ना तो डिस्चार्ज नहीं करेगा पहली बात थी कि डिस्चार्ज कर देगा दूसरी बात थी अगर कोर्ट को नहीं लग रहा है तो डिस्चार्ज न करके फाइनल डिस्पोजल तक इन लोगों को अपने पास रखेगा पॉइंट नंबर सी तीसरी बात क्या है तीसरी बात कर रहा है कि जहां पे एविडेंस अवेलेबल हो एविडेंस अवेलेबल हो ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए सफिशियंट एविडेंस अवेलेबल है तो पार्टी को रोक भी लिया फाइनल डिस्पोजल के लिए तो कोई बात नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस मैटर इज टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट ये प्रॉपर्टी किसकी है क्योंकि एविडेंस एवेलेबल है ना तो एविडेंस के आधार पर पता चल जाएगा ना कि ये गाय मिस्टर ए की है कि मिस्टर बी की है तो पता चल जाएगा क्योंकि एविडेंस सात उपस्थित है उस पर तो अगर मान लीजिए सात छः अवेलेबल है तो मामले को गुण दोष के आधार पर मेरिट के आधार पर कोर्ट पार्टी को एक साथ रोक करके भी प्लेंटिव को डिस्चार्ज न करके भी डिसाइड कर देगी और डिसाइड करके वो बता देगी ही इज द राइट फुल क्लेमेंट इसको प्रॉपर्टी वापस कर दो और उससे कहेगी भैया इसका इतना रुपया खर्चा है इसको जमा कर दो तो जमा करा देगी तो एविडेंस के आधार पे टाइटल डिसाइड कर देगी पॉइंट नंबर डी अगर मान लीजिए एविडेंस नॉट अवेलेबल है एविडेंस नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल तब क्या होगा अगर एविडेंस नॉट अवेलेबल है तब कोर्ट क्या करेगी तब कोर्ट इशू फ्रेम करेगी हर इशू पे ट्रायल होगा हर ट्रायल में एविडेंसेस और विटनेसेस कॉल किए जाएंगे और तब मेरिट पे डिसाइड होगा तो ये रूल चार में जो प्रक्रिया है ना बड़ी वाइड प्रक्रिया है ये इतनी सिंपल प्रक्रिया नहीं है तीन चार बात कर रहा है क्या बोल रहा है अगर कोर्ट को वेरी फर्स्ट हियरिंग में पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी को हम अपने पास रखवा लेते हैं क्योंकि मोबाइल प्रॉपर्टी है इसको रख रखाव के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है तो प्रॉपर्टी को अपने पास रखवा लेगी और कह देगी कि मिस्टर प्लेंटिव का कितना अमाउंट बनता है उतना अमाउंट मिस्टर प्लेटिव को दिलवा दिया जाए और उसको दिलवा देगा कहेगा इसको डिस्चार्ज कर दो अब दोनों लोग आपस में आओ मैं देखता हूं कि यह प्रॉपर्टी किसकी है कोर्ट ये कर सकती है दूसरा अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं सारी पार्टीज को रिटेन किया जाना चाहिए कब तक अप टू द फाइनल डिस्पोजल तो अप टू द फाइनल डिस्पोजल पर सारे लोगों को रिटेन करेगी कोर्ट और रिटेन करके कहेगी कि लेट द टाइटल ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज टू तो बी डिसाइडेड और जब तक डिसाइड नहीं होगी सभी लोग रहेंगे तीसरी बात कह अगर एविडेंसेस अवेलेबल हैं और सफिशियंट एविडेंसेस हैं तो एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट इसको डिसाइड कर देगी कहेगी ठीक है एविडेंस तो अवेलेबल है इसके आधार पर हम डिसाइड कर देते हैं और अगर कोर्ट को चौथी बात है कोर्ट को लग रहा है नहीं नहीं एविडेंस तो अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी फिर कोर्ट इशू फ्रेम कर सकती है जैसे इशू का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट व्हाट इज द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी जैसे सिविल मामले में जब आप जाएंगे साधारण मुकदमे प्लेंटिव का प्लैट आता है आर्डर सेवन में डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट आता है आर्डर एट में ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम ऑफ प्लेंट एंड डिफेंस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट इशू फार्मुलेट करती है आर्डर फोर्टीन सी में इशू का मतलब वट इज द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज तो डिस्प्यूट एक भी हो सकता है डिस्प्यूट न्यूमरस भी हो सकता है अगर आर्डर फोर्टीन में देखेंगे तो इशू फ्रेम करने के लिए क्या है हमारे पास इशू ऑफ फैक्ट इशू ऑफ लॉ तरीके से बार्ड है कि नहीं है कि नहीं है लिमिटेशन से बार्ड है कि नहीं, नहीं है तो पहले तो कोर्ट को जोरिस्डिक्शन है कि नहीं है तो ये सारे लीगल इशू हैं पहले लीगल इशू डिसाइड किया जाएगा इशू ऑफ लॉ इसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड किया जाएगा जो क्लेम और डिफेंस है इसके बाद कभी कभी मिक्सड इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट भी हो जाते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं तो अकॉर्डिंगली तीन तरीके के इशू फ्रेम होते हैं ये आपके आर्डर फोर्टीन में लिखा हुआ है तो उसी तरीके से कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी सफिशियंट एविडेंसेस नहीं है तो कोर्ट पहले इशू फार्मुलेट कर देगी इशू फैक्ट का भी हो सकता है इशू लॉ का भी हो सकता है इशू मिक्स्ड इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट भी हो सकता है जो आर्टर चौदह में लिखा हुआ है और उस तरीके से इशू फ्रेम करके कोर्ट फिर से विटनेसेस को बुलाएगी एविडेंसेस बुलाएगी ट्रायल कंडक्ट कराएगी और सबको कराने के बाद कोर्ट जो है टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट तो ये रूल फोर है ऐसे इसमें प्रोसीजर फॉलो अप करना है रूल आगे बढ़िए रूल पांच और छ लास्ट सिक्स रूल्स हैं पूरा मैं इसमें रूल पांच और छ रूल पांच क्या बोल रहा है रूल पांच रूल पांच बोल रहा है इसमें आर्डर थर्टी फाइव का रूल पांच बोल रहा है कि एजेंट और टीनेंट इंटरप्लीडर सूट नहीं फाइल करेंगे क्योंकि कौन इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा जिसको कास्ट और एक्सपेंसेस चाहिए कास्ट और चार्जेज जिसको चाहिए वो करेगा एजेंट तो ऑलरेडी एजेंट है या टीनेंट तो ऑलरेडी टीनेंट है जिसके लिए कास्ट है जो been, uh, decided, तो वो एक कैपेसिटी में काम कर रहा है और उस कैपेसिटी के लिए उसको रेमोनरेशन भी दिया जा रहा है तो टेनेंट और एजेंट इनको इंटरप्लीडर सूट नहीं फाइल करना है जनरली तो ये इंटरप्लीडर सूट नहीं फाइल करेंगे इनके अलावा कोई इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकता है मैंने ये प्लेंटिव नहीं हो सकते इंटरप्लीडर सूट में एजेंट और टेनेंट ये रूल पांच में है और रूल छ क्या है देखिए रूल सिक्स रूल सिक्स बताता है कि चार्ज फॉर प्लेंटिप्स कास्ट ध्यान दीजिए चार्ज फॉर प्लेंटिप कास्ट प्लेंटिव के कास्ट के लिए चार्ज ध्यान दीजिए इसमें कोर्ट क्या करेगी कोर्ट जब डिसाइड करेगी सब्जेक्ट मैटर को मान लीजिए दिस सब्जेक्ट मैटर है यह ए और बी एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं इस सब्जेक्ट मैटर को मान लीजिए सब्जेक्ट मैटर ए के फेवर में डिसाइड हो गया

और कास्ट जमा करने के बाद रिमेन्स उसी को अपने हित में यूज करेगा यह बात है इसमें तो यह जो कास्ट होगा ना यह चार्ज होगा ओवर प्रॉपर्टी तो या तो इस कास्ट को चार्ज लगा करके प्रॉपर्टी पे रियलाइज करेगी कोर्ट और दूसरा एनी अदर इफेक्चुअल मीन्स और कोई अगर प्रभावी तरीका है और कोई अगर प्रभावी तरीका है प्रभावी

तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है इसमें हम लोगों ने इसमें देखा कि जो अंतराविवाची वाद है यह साधारण मुकदमा नहीं है आप इसको देखने में आपको समझ में आया होगा कि इसमें जो प्लेंटिव मुकदमा दाखिल कर रहा है वो प्रॉपर्टी के लिए कर ही नहीं रहा है ये कास्ट और चार्जेज के लिए कर रहा है ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर रहा है जबकि हमेशा का हमेशा मुकदमा जो प्लेंटिव क्लेम करता है वो किसीन किसी न किसी प्रॉपर्टी को ऑप्टेन करने के लिए करता है कास्ट और चार्जेज के लिए नहीं करता वो प्रॉपर्टी ऑप्टेन करने के लिए करता है लेकिन यहाँ पे ये कास्ट और चार्जेज के लिए कर रहा है तो एक बहुत ही अलग तरीके की बात है अच्छा इंटरप्लीडर सूट जो स्पेशल सूट है ये सीपीसी का कोई अजूबा और अकेला आर्डर और रूल नहीं है ये आर्डर सेक्शन 88 और आर 35 फाइव अकेले नहीं है इस इस तरीके के बहुत ही स्पेशल सूट हैं सीपीसी में जैसे हम लोगों ने आर्डर ट्वेंटी सेवन उठाया था तो ऑर्डर ट्वेंटी सेवन में हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने कहा सूट बाईर अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी तो हम लोगों ने देखा कि अगर गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो हमको एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है और स्पेशल प्रोसीजर क्या था उसमें देश का या स्टेट का नाम होगा और उसमें टू मंथ प्रायर नोटिस होगी डॉक्टरिन आप नोटिस बिना नोटिस के नहीं होगा लेकिन कभी कभी उसमें क्या हो जाता है अगर अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ चाहिए अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ तो उसमें नोटिस नहीं भी दी जाती है नहीं तो दो महीने की नोटिस दिया जाता है पहले और दो महीने की नोटिस के एक्सपायरी के बाद ही सूट फाइल होता है जनरली सूट नहीं फाइल होता लेकिन उसमें भी कभी कभी साधारण तौर पर मुकदमा दाखिल हो जाता है क्योंकि अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ चाहिए अब दो महीना अगर आप लगवाएंगे तो दो महीने में तो क्लेमेंट का जो है ना हित प्रभावित हो जाएगा क्योंकि दो महीने में ही दो महीने के उसका तो दिन और देर डिसाइड करना है और आपने उसको डिले कर दिया तो जब डिले करेंगे तो उसका तो हित प्रभावित हो जाएगा तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन एट्टी में सेक्शन डॉक्टर में कि अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ है तो बिना नोटिस के भी हो जाएगा लेकिन जब बिना नोटिस के होगा तो उसके प्लीडर को बुलाया जाएगा गवर्नमेंट के उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हेरिंग दी जाएगी और बाद में उसको ये सारे नोटिस वगैरह सर्व कराए जाएंगे तो ये उसमें लिखा हुआ है तो मैंने कहने का मतलब कि वो भी एक स्पेशल शूट है जो स्पेशल परिस्थितियों में और स्पेशल प्रोसीजर से इंस्टीट्यूट किया जाता है आर्डर ट्वेंटी में उसी तरीके से हम लोगों ने देखा

तो उनकी कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी उनकी इम्पार्शियलिटी देखी जाएगी वो अपोजिट पार्टी से रिलेट न करते हों ये इसके इंटरेस्ट को सर्व करते हों और इनका रिमूवल भी हो सकता है इनका रिटायरमेंट भी हो सकता है ये सारी चीज़ें उसमें भी दी गई हैं तो मैंने उसमें भी केवल मुकदमे का निस्तारण न करते हुए एक अलग प्रोसीजर साथ साथ चलता रहेगा तो इंटर इंटरप्लीडरशिप टाइप का वो भी है उसी तरीके से हम लोगों ने आर्डर थर्टी देखा था आर्डर थर्टी में हम लोगों ने देखा था इंडिजेंट पर्सन अगर गरीब आदमी को मुकदमा दाखिल करना है जनरली आपको जो मुकदमा शुरू करेंगे तो प्लेट से शुरू होगा आर्डर सेवन से लेकिन जब आप इंडिजेंट पर्सन हो जाएगा तो अपलीकेशन लेकर के जाएगा अपलीकेशन में अपने आपको पहले डिक्लेयर कराएगा कि मैं इंडिजेंट पर्सन हूं मैं निर्धन व्यक्ति हूं निर्धन व्यक्ति के लिए आर्डर थर्टी का रूल वन है रूल वन में एक्सप्लेनेशन वन टू थ्री है निर्धन व्यक्ति है कि नहीं है तो निर्धन व्यक्ति के लिए टेस्ट है उसके पास क्या टेस्ट है कोर्ट फीस जमा करने में सक्षम है कि नहीं है और उसकी सक्षमता जब डिटरमाइन करेंगे तो हम धारा साठ वाली प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे देखा था हम लोगों ने कि वो प्रॉपर्टी जो डिक्री के एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट से एग्जेमटेड है वो प्रॉपर्टी यहां भी निर्धनता डिटरमाइन करने के लिए एक्जेमटेड होगी तो ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है और दूसरा लिखते हैं कि भाई सूट फाइल करने और डिक्री के बीच में जो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा उसको भी ध्यान में रखना है इसकी निर्धनता को डिटरमाइन करने के लिए और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल करता है एक्सप्लेसन थ्री में तो उसको भी ध्यान में रखना है तो कहने का मतलब कि जब इसकी निर्धनता हम डिटरमाइन करेंगे तो हम इस सारे फैक्टर को ध्यान में रखेंगे और तब हम डिटरमाइन करेंगे यह निर्धन है कि नहीं है और अगर निर्धन है तो फिर अकॉर्डिंगली वो सूट उस तरीके से फाइल करेगा जो प्रोसीजर उसको कोर्ट फीस वगैरह नहीं जमा करनी पड़ेगी और आगे बताते हैं कि अगर यह निर्धन के रूप में डिसाइड हो गया और यह सूट फाइल कर दिया तो कभी कभी इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है जैसे मान लीजिए निर्धन नहीं है बाद में कोर्ट को पता चलता है रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन इसको नहीं डिक्लेयर करेगी इंडिजेंट इसके सूट में काज अफेक्शन नहीं है इसका सूट बार्ड बाई लिमिटेशन है इसका सूट जो है क्लूसिव सूट है या इसका सूट जो है फाइनेंशियलिटिगेशन वाला है तो इस तरीके है तो उसका सूट भी उसका अप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाएगा और लास्ट में यह है कि अगर ये मान लीजिए कि इंडीजेंसी का अपलीकेशन इसका खारिज हो जाता है तो नॉर्मल सूट ये फाइल कर सकता है रेस्ट डूटिकेटा नहीं लगेगा तो वो भी देखिए कि स्पेशल प्रोसीजर था इंटरप्लीडर सूट के फैमिली का वो भी एक मेंबर था सूट बाई इंडिजेंट पर्सन उसी तरीके से इंडिजेंट सूट है जिसको हम लोगों ने देखा तो मैं आपको बताने का यह प्रयास कर रहा हूँ कि आप ये जरूर समझें कि इंटरप्लीडर सूट कोई अकेला प्रावधान ऐसा नहीं है जो अलग तरीके का है जिसमें सूट बिटवीन डिफेंडेंट की बात हो रही है इस तरीके से और भी प्रावधान सी में है और इंटरप्लीडर सूट इज वन ऑफ देम उसी फैमिली मेंबर का ये भी एक हिस्सा है और इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए एक दूसरे के एडवर्स क्लेम करना चाहिए इन लोगों को और उस एडवर्स क्लेम में ये किस चीज के लिए एडवर्स क्लेम है इनका सम ऑफ मनी है और डेट है या प्रॉपर्टी है मोबेबुल इसी के खिलाफ इनका क्लेम होना चाहिए और तब ये प्लेटिव जो होगा वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर देगा ये कहते हुए कि भाई ये दोनों लोग एक दूसरे के एडवर्स क्लेम कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं क्लेम कर रहा हूँ मुझे केवल कास्ट और चार्जेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो इस तरीके से सूट फाइल कर देगा लेकिन मान लीजिए हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी इस मुकदमे के टाइटल के लिए कोई मामला पेंडिंग है टाइटल डिटरमाइन करने के लिए उस प्रॉपर्टी के लिए ऑलरेडी कोई मुकदमा किसी कोर्ट में पेंडिंग है तब फिर इंटरप्लीडर सूट नहीं चलेगा इंटरप्लीडर सूट तभी चलेगा जब इस तरीके का कोई मुकदमा कहीं पेंडिंग ना हो तो ये हम लोगों ने देखा इसमें आर्डर थर्टी फाइव में बताया गया कि जब अप्लीकेशन लेकर के आएगा इंटरप्रीडियर सूट का तो इसमें आर्डर सेवन का कंप्लायंस होना चाहिए आर्डर सेवन क्या है आर्डर सेवन सीपीसी में प्लेंट की बात करता है तो आर्डर सेवन का कंप्लायंस का मतलब ऐसे ही अप्लीकेशन ड्राफ्ट किया जाएगा जैसे वादपत्र ड्राफ्ट किया जाता है वैसे ही एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया जाएगा और ड्राफ्ट करके एप्लीकेशन सबमिट कर देगा इसमें तीन एडिशनल चीज होना चाहिए ये कहेगा कि भाई दो या दो से अधिक लोग एडवर्स क्लेम कर रहे हैं मैं इसमें कास्ट और चार्जेज के अलावा कुछ नहीं क्लेम कर रहा हूँ और तीसरी बात कहेगा कोई कलूजन नहीं है हमारा इन लोगों के साथ तो हमारा एकदम निष्पक्ष मामला है और जज साहब आप हमारे क्लेम को डिसाइड कर दीजिए और ये बताइए कि यह प्रॉपर्टी हम किस राइटफुल क्लेमेंट को दे दें तो ऐसा करके वो एक अपलीकेशन दाखिल करेगा और जब दाखिल कर देगा तो कोर्ट इसको डिसाइड करेगी अब कोर्ट क्या करेगी कोर्ट के पास जब ये अप्लीकेशन देगा तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है कोर्ट कह सकती है अगर ये प्रॉपर्टी इंटाइटल टू बी पेड इन टू द कोर्ट है लाइबल टू बी पेड इन टू दी कोर्ट है अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी है तो कहेगा पहले इसको आप पे कर दो और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे तो कोर्ट में जमा करवा लेगा और जमा करके और तब डिसाइड करेगा लेकिन अगर लाइबल टू बी पेड इन टू द कोर्ट नहीं है तो कोर्ट नहीं भी जमा कराएगा बिना जमा कराए भी निर्धारित कर देगा इसको डिसाइड कर देगा ठीक है तो ये हम लोगों ने देखा था इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए इसमें जब मुकदमा जाता है तो सुनवाई में प्रक्रिया क्या है तो प्रक्रिया ये है कि कोर्ट सबसे पहले क्या करेगी अगर कोर्ट को लग रहा है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है तो कोर्ट कहेगी कि भाई पहले इसके कास्ट को दे दीजिए इसके खर्चे को दे दीजिए प्लेंटिव को छोड़ दीजिए डिस्चार्ज कर दीजिए और टाइटल को डिसाइड करते हैं तो ऐसे भी कर सकती है लेकिन अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं इसमें सारे पार्टी का एक साथ होना आवश्यक है तो कोर्ट इसको डिसाइड डिस्चार्ज नहीं करेगी सारे पार्टी को एक साथ रोक करके मामले को मेरिट पर डिसाइड करेगी तो ये दोनों कोर्ट के पास ऑप्शन है या तो इसको डिस्चार्ज कर दे इसके कास्ट को दे करके या रोक करके मेरिट पर डिसाइड करे इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि जब रोक करके मेरिट पे डिसाइड करेगी मान लीजिए एविडेंस अवेलेबल है सफिसियंट एविडेंस अवेलेबल है तब तो डिसाइड कर देगी कि, कि किसके फेवर में या किसके अगेंस्ट लेकिन मान लीजिए सफिसियंट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है तो पहले इशू फ्रेम करेगी विटनेसेस को बुलाएगी एविडेंसेस को बुलाएगी और ट्रायल कराएगी और फिर एग्जामिन करने के बाद मेरिट पे मामले को डिसाइड करेगी तो यह भी एक बात है इस तरीके से डिसाइड कर सकती है तो ये रूल चार में था रूल पांच में हम लोगों ने देखा कि टेनेंट और एजेंट

पॉइंट नंबर या दूसरा कोई इफेक्टिव मेथड है तो उससे इसके खर्चे को दिलवाया जाएगा तो कोर्ट को इंश्योर करना है कि कैसे इसके कास्ट को इसके एक्सपेंसेस को कैसे दिलवाना है कोर्ट को डिटरमाइन करना है तो इस तरीके से इंटरप्रीटरशिप दाखिल किया जाता है और इस तरीके से इसका निस्तारण होता है तो हम लोगों ने देखा कि सीपीसी में इस तरीके से बड़ी बृहद व्यवस्था है कि केवल साधारण स्रोत की बात सीपीसी नहीं करती राधर सीपीसी जो है स्पेशल uh, सूट की भी बात करती है तो साधारण मुकदमा तो ऑर्डर सात के हिसाब से चलेगा आर्डर आठ में जाएगा आर्डर चौदह में जाएगा आर्डर पाँच में जाएगा ट्रायल हो जाएगा और डिसीजन हो जाएगा लेकिन ये सब जो मुकदमे हैं इसमें अप्स एंड डाउंस अलग तरीके से हैं जो हम लोगों ने देखा तो ऐसे इंटरप्लीडर सूट या और कोई भी स्पेशल सूट है तो ये ऐसे चलते हैं तो इंटरप्लीडर सूट को मॉड्यूल में लेने का ये मतलब था कि आप ये समझें कि एटलीस्ट सारे मुकदमे एक ही तरीके से नहीं चलते सी सी में एक साधारण सिविल प्रोसीडिंग है एक स्पेशल सिविल जो स्पेशल सिविल प्रोसीडिंग है उसमें इंटरप्रीडियर शूट भी है जिसमें सूट बिटवीन डिफेंडेंट चलता है तो ऐसे भी चलता है तो इस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपकी मैं आपको समझा पाया हूँ सरल भाषा में कि इंटरप्रीडियर सूट क्या है जो सेक्शन एटी और थर्टी में वर्णित है तो शायद मैं आपको बता पाया हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये स्पेशल सूट और अलग तरीके से चलता है तो आपके पेशेंस हेयरिंग के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो वेरी मच नमस्कार सभी लोगों को Hello and welcome to this piece of literary snippet. Today, we are going to read a section from Virginia Woolf's novel, Orlando. And the section that we are going to listen to today is perhaps one of the finest descriptions of the winter season in English literature. It is also a very fine piece of what we call fantasy writing i have made a few changes to the original to adapt it for the purpose of reading the great frost was historians tell us the most severe that has ever visited these islands birds froze in mid-air and fell like stones to the ground at norwich a young countrywoman started to cross the road in her usual robust health and was seen by the onlookers to turn visibly to powder and be blown in a puff of dust over the roofs. The mortality among sheep and cattle was enormous. Corpses froze and could not be drawn from the sheets. It was no Uncommon sight to come upon a whole herd of swine frozen immovable upon the road. The fields were full of shepherds, plowmen, teams of horses, and little birds carrying boys, all struck stark in the act of the moment. One with his hand to his nose, another. With a bottle to his lips, a third with a stone raised to throw at the ravens, who sat upon the hedge within a yard of him as if they were stuffed birds. The severity of the frost was so extraordinary that a kind of petrification sometimes ensued. It was commonly supposed that the great increase of rocks in some parts of Derbyshire was due to no eruption for there was no eruptions rather it was supposed that they were due to the solidification of unfortunate wayfarers who had been turned literally to stones where they stood the church could give little help in the matter and though some landowners had these relics blessed the most part Preferred to use them either as landmarks, scratching posts for sheep, or when the form of the stone allowed, drinking troughs for cattle, which purpose they serve admirably for the most part to this day. But while the country people suffered the extremity of want, and the trade of the country was at a standstill, London enjoyed a carnival of utmost brilliance. The new king directed that the river, which was frozen to a depth of 20 feet, should be swept, decorated, and given all the semblance of a park or pleasure ground with arbors mazes alleys drinking boots all at his expense of course frozen roses fell in showers when the queen and her ladies walked abroad colored balloons hovered motionless in the air here and there burnt vast bonfires of cedar and oak wood lavishly salted so that the flame were of green Orange and purple fire. But however fiercely they burnt, the heat was not enough to melt the ice, which, though of singular transparency, was yet of the hardness of steel. So clear, indeed, was the ice that there could be seen, congealed at a depth of several feet, here a porpoise. There, a flounder. Shoals of eels lay motionless in a trance. But whether their state was one of death or merely of suspended animation, which uh, the warmth would revive, puzzled the philosophers. In short, nothing could exceed the brilliancy and gaiety of the scene by day. But it was at night. That the carnival was at its merriest. The nights were of perfect stillness. The moon and stars blazed with the hard fixity of diamonds, and to the fine music of flute and trumpet, the courtiers danced. See you in the next episode of Literary Snippet.